दोस्तों, इंसान बड़ा होता है अपने काम की वजह से, और इंसान का काम अच्छा होता है उसके डेडिकेशन और पैशन की वजह से। आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो कि आपको कभी बुलाई नहीं जाएगी, और ये कहानी सुन के आप खुद के काम में और मेहनत करने लगोगे। इस कहानी के सुनने के बाद आपकी सोच में बदलाव आना संभव है और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट होता है, और जो काम को लेकर पैशनेट होते हैं उसकी सबको ताउम्र ज़रूरत होती है। एक बार वो लड़का टेलीफोन बूथ पे गया जहाँ पे पास में उस शॉप का ओनर बैठा होता है, और वो ओनर उस लड़के को ऑब्जर्व कर रहा होता है। लड़का एक लेडी को कॉल करता है और बोलता है हेलो। लेडी भी रिस्पॉन्स करती है। लड़का बोलता है क्या आप मुझे जॉब दे सकती हो, मैं आपके लॉन में ट्रीज को मेंटेन करने का काम कर सकता हूँ। लड़का बोलता है मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, इसलिए आप मुझे जॉब पे रख लो। लेडी मना कर देती है और बोलती है मेरे पास ऑलरेडी एक पैशनेट बंदा है जो यही काम करता है। लड़का बोलता है कि मेरा काम आपके यहाँ वाले लड़के से भी काफ़ी अच्छा होगा, और आप उसको जितना भी पे करती हो आप मुझे उसका हाफ पे कर देना। लेडी बोलती है कि जो लड़का हमारे यहाँ काम करता है उससे हम एकदम सेटिस्फाइड हैं, और हमको कोई भी लड़का नहीं चाहिए। ये सुनकर लड़का बोलता है कि मैं एक महीने फ्री में भी काम करने को तैयार हूँ, मगर लेडी फिर भी मना कर देती है। फिर लड़का अपने काम में और वैल्यू ऐड करता है, और वो बोलता है कि मैं आपकी लॉन की कटिंग के साथ साथ घर की सफाई भी कर लूँगा, आपकी ग्रॉसरी का सामान भी लेके आ जाऊँगा। लेडी बोलती है नो थैंक्स, हमको ज़रूरत नहीं है। रिजेक्ट होने के बाद भी लड़का मुस्कुराते हुए फ़ोन रखता है। ये सब उस शॉप का मालिक देख रहा होता है। मालिक उस लड़के को बोलते हैं कि मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया, आप एक के बाद एक चीज़ ऐड करते हुए जा रहे थे आपके लिए कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, आप मेरी सैलरी हाफ कर दो तब भी मैं काम कर दूंगा। आप काम के लिए बहुत पैशनेट हो, मुझे ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है अपने यहाँ शॉप पे काम के लिए, आप मेरे यहाँ जॉब कर लो, मैं उस लेडी से भी ज़्यादा सैलरी दूंगा। ध्यान दीजिए, शॉप के ओनर ने बोला कि लेडी से भी ज़्यादा सैलरी दूंगा, फिर भी लड़का बोलता है नो थैंक्स। लड़का मना कर देता है दुकानदार को। दुकानदार बोलता है आप वहाँ तो ज़िद कर रहे थे और मैं उस लेडी से ज़्यादा सैलरी दे रहा हूँ तब भी आप मुझे मना कर रहे हो। लड़के ने ये सुन के जो बोला उससे सुन के तो दुकानदार आश्चर्य से कुछ देर के लिए चुप ही हो गया। लड़के ने बोला मैं उसी लेडी के यहाँ काम करता हूँ, वो लेडी बोल रही थी ना कि हमारे पास ऑलरेडी एक पैशनेट बंदा है, वो पैशनेट बंदा मैं खुद हूँ, मैं तो अननोन नंबर से कॉल करके अपनी परफॉर्मेंस चेक कर रहा था, मैं खुद को परख रहा था कि क्या लोग मेरे काम से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, क्या वो दूसरे बंदे की तलाश कर रहे हैं या मुझे छोड़ना नहीं चाहते। उस लेडी ने मुझे मना करके मेरे काम की और भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दी है। जो इंसान अपने काम को लेकर पैशनेट होता है ना, उस इंसान को कोई छोड़ना नहीं चाहता। दुनिया में लोगों को 70 ऑप्शन मिलेंगे, फिर भी लोग ऐसे पैशनेट इंसान को नहीं छोड़ेंगे जो अपने काम के लिए पागल होते हैं, अपने काम में चीता होते हैं। आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए अपने दोस्तों में। ऐसी ही वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।